प्रताप पे कोई कुछ नहीं लिख सकता। मैं तो नहीं मानता किसी की हैसियत है कि वो अपने अक्षर ऐसे कर दे जिससे उनकी शोभा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कहीं लिखा पंडित नरेंद्र मिश्र ने कि राणा प्रताप ने जन्म लिया परवशता के भय भंजन को, राणा प्रताप ने जन्म लिया परवशता के भय भंजन को, आलोक पुरुष उतरा भू पर तब के घंघोर निकंदन को, था स्वाभिमान का विजय घोष जिसके प्रण की परिपाटी में, प्रतिबिंबित है जिसकी सुगंध हल्दी घाटी की माटी में, प्रण प्रण स्वाभिमान के साधक को अर्पित कविता के शब्द सुमन, और वह छंद अभी तक नहीं बना जो कर दे उसका अभिनंदन, वह छंद अभी तक नहीं बना जो कर दे उसका अभिनंदन। फिर भी क्या लिख सकते हैं, मैंने भी कोशिश की है, मैं समर्पित करता हूं। क्या है ये मेवा? समर्पण की है ये वेदी, समर्पण की है ये वेदी, जहां गुणगान वीरों का, समर्पण की है ये वेदी, जहां गुणगान वीरों का, वहां माटी भी है चंदन, जहां बलिदान वीरों का, वहां माटी भी है चंदन, जहां बलिदान वीरों का, जहां पर लाज लिपती है कहीं जौहर की ज्वाला में, कई शाखे अमर है केसरी परिधान वीरों का, हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, जहां कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का, जहां कण कण में शोभित है लहू का मान वीरों का, जो सूरज हो से फिर मौल क्या महलों जागीरों का, जो सूरज हो से फिर मौल क्या महलों जागीरों का, सदा पैरों तले रौंदा जिसने मुगलों के तेवर को, झुकी कहीं पाक ना उसकी जो नायक था रणधीरों का, झुकी कहीं पाक ना उसकी जो नायक था रणधीरों का, विश्व इतिहास में हल्दी की घाटी ही चुनिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है। क्या था महाराणा प्रताप और कैसे थी उनकी आजादी, अपने आप को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कहने वाला एक मुगल मेवाड़ के ध्वज को हाथ तक नहीं लगा सका, ये महाराणा प्रताप की स्वाभिमानता। खुले जज्बात से कोई कहीं जब सांस लेता है, वही आजाद था आजाद है आजाद रहता है, वही आजाद था आजाद है आजाद रहता है, जहां धमनी शिराओं में लहू बन आग बहती है, तभी स्वाधीनता की ये कथा मेवाड़ कहता है, बचाया मान पुरखों का 1300 वर्षों से। इस मेवाड़ राजघराने की ये विशेषता है कि उन्होंने आज तक किसी के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसा इतिहास इस पृथ्वी पे किसी का नहीं है। तब निवेदन करता उसी के वंशवाही कि जन्म जयंती पे खड़े होकर के आज मुझे कवपाठ करने का अवसर मिल रहा है, मैं ऋणी हुआ। बचाया मान पुरखों का गगन उड़ता परिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। और सीधे सीधे अंतिम बंद पर आता हूं लंबा गीत है, क्या थे महाराणा प्रताप? न कोई था न कोई है, दो युगों में दो पुण्य पुरुषों ने जन्म लिया, कलयुग में महाराणा प्रताप ने और त्रेता में भगवान श्री राम ने, दोनों ने एक जैसा जीवन बिताया। भगवान श्री राम ने सभी वंचितों दलितों और असहायों को लेकर के अपना सैन्य दल एकत्र किया और फिर रावण को चढ़ाई की, वैसा का वैसा दृश्य हमें हल्दीघाटी में देखने को मिलता है।
सामाजिक समरसता के सबसे पहले उदाहरण इस धरती पर महाराणा प्रताप में सम्मेलन करता हूं। न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया, न कोई था न कोई है न कोई और हो पाया, सभी सुख छोड़ महलों को पर्वतों में मंगल गाया, सभी सुख त्याग महलों को पहाड़ों में मंगल गाया, अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी, अगर कुछ याद रखना है तो रख लो घास की रोटी, धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी, धरा का बोध स्वाभिमान जाति ना बड़ी छोटी, राम के संग चले लाखों हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य, के राम के संग चले लाखों मान लो ये किस किंधा है, अटल प्रण की तरह में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, समर्पण की है ये वेदी जहां गुणगान वीरों का, वहां माटी भी है चंदन जहां बलिदान वीरों का, जहां पर लाज लिपटी है कहीं जौहर की ज्वाला में, कहीं शाके अमर है केसरी परिधान वीरों का, हिंदुआ एक सूरज, हिंदुआ एक सूरज है तो ये इतिहास जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है, अटल प्रण की धरा में वाड़ स्वाभिमान जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आइए अब मैं जिनका